हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं स्वीट पोटैटो वाइन के बारे में बताऊंगी और उसकी कटिंग लेकर और लगाऊंगी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया जाए। फ्रेंड्स, स्वीट पोटैटो दो तरह की होती है, एक वाइट एक रेड। तो ये मेरी जो आप देख रहे हैं, ये रेड स्वीट पोटैटो वाइन है। तो इसको जब मैं जो है, इसको शकरकंदी भी बोलते हैं हम लोगों की भाषा में, तो शकरकंदी ही बोला जाता, कहीं गंजी भी कहते हैं। तो इसको हम जब हमारे यहाँ वो तिलवा चौथ थी, वो शकट तब आई थी, तो एक शकरकंदी बच गई थी। तो मैं यहीं लाके इसको यहाँ प्लाट में, जहाँ मेरा किचन गार्डन है, वहीं मैंने किनारे लगा दिया था। और ये देखिए, अब इतनी फैल के इतनी बड़ी हो गई है, जहाँ आपको दिखाएं कहाँ तक, वो वहाँ तक गई है, यहाँ तक आई है। ये वैसे तो शकरकंदी को लगाने का सीजन, जो लोग इसका बिजनेस करते हैं या खाने के पर्पज़ से लगाते हैं, इसका सीजन होता है जून के लास्ट में, जून में जुलाई में। तो शकरकंदी की पूरी बेल लंबी लंबी और मिट्टी का जो है मेल टाइप का बना के और उसी पे लगा दी जाती है। फिर वो जाके नवंबर अक्टूबर के लास्ट नवंबर तक उसमें शकरकंदी पड़ जाती है और लोग उसको निकाल कर, खोद के निकालते हैं और खाने में यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग तो अब स्वीट पोटैटो वाइन हैंगिंग में लगाते हैं, गमलों में लगाते हैं। तो मैंने सोचा कि मेरे यहाँ है तो मैं भी, अभी तक मैंने कभी लगाया नहीं, मैंने सोचा कि लाओ लगा के देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं जो है स्वीट पोटैटो वाइन की तीन चार कटिंग, चार पांच कटिंग ले चलूँगी और अपने गमले में लगाऊंगी हैंगिंग में। एक ले लिया, इसकी कम से कम 5-6 इंच की कटिंग लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो है दो नोड तो अंदर मिट्टी के अंदर ज़रूर होनी चाहिए और 2-3 नोड बाहर होनी चाहिए कि वो जो है उसमें ग्रोथ हो। 3-4-5, ये इतनी इसकी कटिंग मैंने ले लिया है। अब मैं इसको हैंगिंग प्लांटर में लगाऊंगी और फिर देखूंगी, फिर मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको दिखाया कि मैं जो है 5 कटिंग लाई थी और जो है इसको मैंने इस केटली में, जो कि अब यूज़ नहीं होती है, यूजलेस थी, तो मैंने इसका सोचा कि कुछ उपयोग ही किया जाए। तो इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल के और सारी कटिंग अपनी पानी में डाल दिया था। तो आज 72 घंटे हो गए, 3 दिन हो गए हमको, इसी टाइम मैंने डाला था और आज आपके सामने इसका परिणाम देखते हैं कि क्या है। ये देखिए, इसमें 3 दिन के अंदर, 72 घंटे के अंदर इतनी अच्छी रूटिंग हुई है। देखिए, स्वीट जितना हिस्सा पानी में था, हर 3 नोड पे इसमें रूटिंग हुई है। कितना सुंदर परिणाम है, कितना अच्छा। अब इसको मैं जो है मिट्टी में शिफ्ट करूंगी अपने, जैसा कि मैंने बताया कि मैं इसको लाई थी हैंगिंग पॉट में लगाने के लिए, तब इसको मैं अब शिफ्ट करूंगी। अभी एक दिन मैं इसको नहीं शिफ्ट करूंगी, आज इसको मैं इस पानी में थोड़ी सी मिट्टी डाल के रात भर इसको मिट्टी में रखूंगी।
24 घंटे रखूंगी, कल शाम को इनको मैं शिफ्ट करूंगी। लेकिन देखिए पानी में इतनी अच्छी ग्रोथ है, रूटिंग कितनी अच्छी हुई है। ठीक है दोस्तों, जब मैं इसको लगाऊंगी हैंगिंग पॉट में तो इसका रिपॉटिंग का वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।